तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। तो मैं इस समय मौजूद हूं पंडित दया सागर शुक्ल द्वारा निर्मित गायत्री नंदी गोधाम गौशाला में। तो यहां एक गाय को गांव कासमपुर से रेस्क्यू करके लाया गया है। घायल अवस्था में ये गाय वहां ये नहर में पड़ी हुई थी, गहरे गड्ढे में पड़ी हुई थी। तो उत्तरी देवधाम जन कल्याण समिति के अध्यक्ष महाराज सिंह चौहान व अन्य समाज सेवी गौ सेवक इस गाय को ये रात्रि करीब 9 बजे रेस्क्यू करके कासमपुर गांव से यहां लाए हैं। यहां पहुंची है पशु चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारियों की टीम। ये टीम में शामिल हैं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सुधांशु मिश्रा जी पशु चिकित्सालय जसपुर के, और डॉक्टर संजय सिंह और डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह। ये गाय का इंजर्ड गाय का ये उपचार कर रहे हैं। नंदी गोधाम गौशाला गोधाम में मौजूद हैं उत्तरी देवधाम जन कल्याण समिति के संस्थापक अध्यक्ष महाराज सिंह चौहान जी, और यहाँ मौजूद हैं नंदी गोधाम गौशाला के संस्थापक दया सागर शुक्ला जी। डॉक्टरों की टीम वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सुधांशु मिश्रा जी के नेतृत्व में ये घायल गाय का उपचार कर रहे हैं। इसको जरा दबाओ, तो देखिए ये गाय के गहरे घाव को ये इसमें पट्टी के द्वारा भर कर उपचार कर रहे हैं। ये दवायुक्त पट्टी उस घाव के अंदर ये भर रहे हैं ताकि घाव जल्दी ठीक हो सके। ये देखिए दवायुक्त पट्टी, ये पूरा रोल पट्टी का इस घाव के अंदर समा गया है, जिससे प्रतीत होता है कि ये घाव अत्यधिक गहरा है। छोटे वाले पुरान धोती होती कोई हो जमाना गया, जमाना बदल गया डॉक्टर साहब, लोग छोड़ दे रहे हैं। बछड़ा होता तो भी यही हालत होती है, लेकिन बच्चों को तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। पर अच्छी नस्ल की है डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी नस्ल। हाँ, इसके वो निकाल दिया, वो बीच का वो जान बूझ के निकाल दिया ना, उसे पकड़ में आते हैं। हाँ, पकड़ में आ जाता। इंसानियत खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। मैं तो ये मानता हूँ राज डॉक्टर साहब, ग्राम प्रधान की नैतिक जिम्मेदारी होती है, इलेक्टेड व्यक्ति वो गांव का वीआईपी आदमी होता है, कोई मदद नहीं की उसने, ग्राम प्रधान ने कोई मदद नहीं की। हाँ, उसकी पत्नी है, पत्नी प्रधान है वो। फिर हम निराश हो गए, फिर गांव के युवा को इकट्ठा किया, फिर कई लोग सामने आए। दूसरी पट्टी का रोल बड़े गहरे में थी, दूसरे घाव में ये देखिए, ये घाव भी बहुत गहरा दिखाई दे रहा है, पूरा खाली है, ये तो खाली है, सब खाली है। पूछने वाला था कब से घाव रहा होगा आज। हाँ, कभी कभी
अच्छा समय था ये कल। ये इसके दोनों घाव बहुत गहरे हैं, पट्टी के पूरे पूरे रोल इनमें समा गए हैं। हाँ ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ये तो बहुत साफ भी है। ये भी साफ है, किरदार लगा है, साफ भी है, ये भी बहुत बड़ा है। फाड़ दे, हाँ फाड़ दो, फाड़ दो, किरदार लगा हुआ है, फाड़ दो, फाड़ दो। इसको खाइए, इसको खाइए, साफ है, मिला हुआ। शुक्ला जी हमारे असली गो प्रेमी हैं। इसका बना दो, यहाँ से खाइए, कुछ काटने के लिए। देखिए पट्टी का पूरा रोल, ये दवायुक्त पट्टी का रोल पूरा घाव के अंदर समा गया, फिर भी घाव पूरा नहीं भर पाया है। अब ये देखिए ये दूसरी पट्टी इस घाव के अंदर ये डॉक्टर लोग डाल रहे हैं। इसको पाइप करेंगे तब कीड़े मरेंगे। ये घायल अवस्था में जो गाय है इसके घाव के अंदर ये कीड़े पड़े हुए हैं। जी हाँ हाँ, जब तक अंदर से नहीं मरेंगे, कीड़े जब मर जाएंगे उसके बाद बीटाडीन भरेंगे, सही हो जाएगा। अरे मैं कल जा रहा था अशोक नगर, तो सड़क ऐसे तो देखिए घाव के अंदर पट्टी के दो रोल पूरे समा गए हैं। इस गांव का एक प्रधान गाय का ये बड़ा दूसरा घाव है, इसमें भी एक पट्टी का रोल पूरा समा गया और दूसरी पट्टी का रोल भी ये इसके अंदर समा गया है। 500 लेना, लेकिन आए जब देखे मैं पछड़ा दिखाया अपना, बोले पंडित जी पैसा नहीं देंगे, यानी बिना पैसे के चले गए वो, एक पैसा नहीं। क्या चीज देखे डॉक्टरों की टीम ने घायल गाय के घावों में दवायुक्त पट्टी प्रवेश कर उन ये पट्टी दवायुक्त पट्टी घावों के अंदर प्रवेश कर उसको राहत देने का कार्य किया है। अब इस घायल गाय को डॉक्टरों की टीम ये जो आवश्यक दवाइयां हैं वो दे रहे हैं, इंजेक्शन उसको दिए जा रहे हैं। अरे संजय जी सर, आधा आधा लगाओ, ये डेढ़ काम बहुत है।
यहाँ पे लोग लगाया था तो देखिए इसको इंजेक्शन लगाए गए हैं। अब मैं इस घायल गाय के संबंध में उपचार के संबंध में वार्ता करना चाहूँगा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी सुधांशु मिश्रा जी से। तो मिश्रा जी इसके संबंध में वार्ता करना चाहेंगे तो ये घायल अवस्था में है गाय, तो जो इसके गहरे घाव हैं तो ये कितने अंदर के कितने दिन के अंदर सही होने की संभावना है? अगर ये इसी तरह रहेगी यहाँ पर रखेंगे आप लोग से तो हम ये करीब एक हफ्ता में सही हो जाएगी। एक आध हफ्ते लगातार इसका जो है प्रतिदिन तो इसके अंदर घाव के अंदर कीड़े हैं, काफ़ी पुराना घाव है। तो देखिए अभी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी सुधांशु मिश्रा जी ने बताया घायल गाय के संबंध में कि उसके घाव काफ़ी पुराने हैं और उसके अंदर ये कीड़े पड़े हुए हैं और उन्होंने बताया कि करीब एक सप्ताह में ये कवर हो पाएंगे घाव इसके। अब मेरे सामने हैं उत्तरी देवधाम जन कल्याण समिति के संस्थापक अध्यक्ष श्री महाराज सिंह चौहान जी, तो उनसे वार्ता करते हैं जो ये घायल गाय का जो रेस्क्यू करके यहाँ नंदी गोधाम गौशाला में यहाँ लाया गया है। तब इनसे वार्ता करते हैं। ये सब दया शंकर दया सागर शुक्ला जी सूत मिल के पास इस कार्य को कर रहे हैं, हम उनका सहयोग मात्र कर रहे हैं। उनके पास कई निराश्रित पशु हैं और उनका पूरा परिवार उनकी सेवा में सतत कार्य करता रहता है। तो ये जो घायल गाय है तो इसको रेस्क्यू करके कहाँ से लाया गया? कल ये कहीं जा रहे थे तो कासिमपुर के पास रोड पर ही पड़ी थी, तो जब इन्होंने हमें फ़ोन किया, हमने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, लेकिन डॉक्टर साहब ने तुरंत वहाँ अगली टीम को भेजा और फर्स्ट एड दी। फिर रात में हमने 9 बजे हम कासिमपुर गए और वहाँ हमने ग्राम प्रधान से संपर्क किया, इस उम्मीद से कि वो मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। तो अच्छा, गांव के लोगों को जोड़ा, उसके बाद अन्य लोगों ने सहयोग किया रेस्क्यू में। रात में क्योंकि बड़ी दुर्गम जगह थी और गहरे में थी खेत में, कुत्तों इसको कुत्ते जंगली जानवर से खतरा था, इसको हम यहाँ ले आए। तो ये जो घायल गाय है इसको रेस्क्यू करने के बाद जो उपचार दिया गया तो उस उपचार में ये डॉक्टरों की टीम का कैसा सहयोग रहा? कौन सी टीम थी डॉक्टरों की? डॉक्टर सुधांशु मिश्रा जी हैं, उनकी टीम पूरी सराहनीय है, मैं सराहना करता हूँ। जैसे हम फोन करते हैं, क्योंकि हमारा आज का ही काम नहीं है, हम तो प्रतिदिन तो सेवा करते हैं। जसपुर पशु चिकित्सालय की टीम है और जब हम फोन करते हैं मौके पर वो लोग पूछते हैं, सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। तो रेस्क्यू करने के बाद भी ये लोग रात को उपचार के लिए पहुंच गए थे? हाँ, फिर हमने फर्स्ट एड दी थी, लेकिन सुबह ही अब पहुँचे हुए हैं और हमें विश्वास है कि जब तक ये ठीक नहीं होगी। रेस्क्यू के दौरान जो उपचार किया था तो वो डॉक्टर कौन थे उस समय? वो डॉक्टर अनामिका चौहान थी, जो फोन के तुरंत बाद मौके पर पहुँच गए उन्होंने और ये फर्स्ट एड दी थी। और जसपुर पशु चिकित्सालय के जो डॉक्टर थे उनका क्या सुना? हाँ, वही तो हैं मिश्रा जी। नहीं, डॉक्टर संजय। हाँ, ये पशु प्रसार अधिकारी हैं।
और साथ में मैं नाम नहीं जानता हूँ, जितेंद्र, जितेंद्र जी हैं, हाँ जितेंद्र कुमार, ये सब लोग कर्मठ हैं और यहाँ के स्थानीय हैं और बेजुबान पशुओं के प्रति मैं समझता हूँ कि इनकी नैतिकता जागी हुई है। धन्यवाद आपका। आप लोग ये गौ सेवा में लगे हुए हैं और घायल गाय के उपचार के लिए आपने ये इतना प्रयास किया, इसका रेस्क्यू करके यहाँ लाए। अब ये मेरे सामने हैं नंदी गोधाम गौशाला के संस्थापक पंडित दया सागर शुक्ला जी। तो शुक्ला जी आप भी बताइए, दो शब्द बताइए, ये जो घायल अवस्था में जो गाय है इसका रेस्क्यू करके यहाँ लाया गया है, तो ये आपको कैसे पता चला इसका? मैं जा रहा था शरीफ नगर, शरीफ नगर जा रहा था तो सड़क पर जो है ऐसे पड़ी हुई थी, हाथ पैर मार रही थी, निगाह पड़ा तो मैं वही परेशान हो गया कैसे इसको क्या किया जाए। लोग जा रहे थे आ रहे थे, लेकिन फिर डॉक्टर साहब कोई बताया कि डॉक्टर साहब रहते हैं लेडी, कोई नंबर दिया, उनके पास फ़ोन किए तो बेचारी एक घंटे के अंदर जो आ करके उसको सुई इंजेक्शन जो लगाई, उसके बाद मैं वहाँ से लौट करके आया तो वैसे पड़ी हुई थी और नीचे गिर गई थी, और उसके बाद जो है खड्डे में गिर गई, हाँ खड्डे में गिर गई थी, खड्डे में गिर गई थी। उसके बाद फिर रात को फिर मैंने गया प्रधान के पास, प्रधान कहा कि तो रात हो गई है, कुछ नहीं हो पाएगा, लड़के गांव के जो है बहुत सहयोग किए, बस तब इसको रेस्क्यू करके यहाँ लाया उपचार के लिए। हाँ उपचार के लिए, तो अब इसका उपचार यहीं चलेगा, बस उपचार यहीं चलेगा। अच्छा, तो इससे पहले भी आपको पता चला है? हमारे बछड़े हैं सभी हैं, पहले भी लाया था, एक गाय पूरनपुर में कुछ फेंक दिया था मार करके। अच्छा, तो ये जो आपने हॉल बना रखा है ये इसीलिए बना रखा? नहीं, इसको बना रखे, कोई पालने वाला नहीं है ना, नहीं हमारे बछड़े सब वहाँ पड़े हुए, लेकिन जो क्षेत्र में जो घायल हो जाते हैं हम देखेंगे उसको। अच्छा अच्छा, हम देखेंगे तो उसको उठा लाएंगे, और किसी का नहीं है इतने, हम ये भी नहीं है, अगर हम आग नज़र पड़ गई तो हम उसका उठा ला करके सेवा करेंगे, लेकिन और कोई ये कहा कि कोई पड़ी है ले आवे तो उसकी हम सेवा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अभी मैं वार्ता कर रहा था ये नंदीधाम गौशाला के संस्थापक अध्यक्ष ये पंडित दया सागर शुक्ला जी से, तो उन्होंने बताया कि वो गौ सेवा में लगे हुए हैं, उन्होंने एक गौशाला खोल रखी है और क्षेत्र में जो भी घायल अवस्था में इनको गौ वंश दिखाई देते हैं उनको यहाँ लाकर उसका उपचार कराते हैं। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।